हम कहाँ पैर पे चलेंगे? अब गलती उसमें की है, अब तू चाहते लेडीज ना यार, कम से कम लेडीज हो गया ना आपका दिया बिहार में भी काम करने का और जाकर के दिल्ली में बिहार की बात पार्लियामेंट में रखने के लिए। लंबे समय तक आपने काम किया मंत्री के रूप में, आप जा रहे हैं बिल्कुल मंत्री के रूप में जवाब दी दिया मुख्यमंत्री जी ने, और अभी वहां जा करके जो एक बेस नीतीश कुमार जी ने बिहार में तैयार कर दिया उसका अगला जंप अब केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में कैसे इन्वेस्टमेंट आए, कैसे उद्योग लगे, कैसे रोजगार मिले, जो कमिटमेंट हम लोगों को 7 निश्चय 2 में है, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, उसको पूरा कुछ नहीं कर सकते हम, गिर जाएंगे सिर्फ और यही काम करना। तो इस बार एनडीए को कैसे देखते हैं 2024 एनडीए को कैसे देखते हैं? पूरा स्वीप और मार्जिन भी, कोई भी सीट ऐसा नहीं है जहां 4 लाख से कम का मार्जिन होगा इस बार बिहार में। 4 लाख? हाँ 4 लाख मिनिमम मार्जिन। ये लगातार 34 साल तक बिना रुकावट के देश के चारों सदनों में रहने का मौका दिया। 15 साल मुझे लगता है कि देश में बहुत कम बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिसको पार्टी ने 34 साल तक सेवा करने का मौका दिया। मैं पार्टी के प्रति आभारी हूँ और आगे भी जीवन के अंतिम क्षण तक छोड़िए ना आप पार्टी का काम करता हूँ। तो सोनिया गांधी को भी राज्यसभा भेजा गया, कैसे देखते हैं कांग्रेस के अंदर? ये कांग्रेस का निर्णय है, लोग वहीं झांक जा रहा है, आप लोगों पर कर रहे जैसे 70 साल उम्र हो गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, एनडीए के सारे प्रत्याशी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दो कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, डॉक्टर भीम सिंह जी जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं और डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता वो अति पिछड़ा समाज से आती हैं। एक महिला को मौका दिया राज्यसभा में, कशिश का लोगों पर कर लीजिए ना, पार्टी के नेतृत्व को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बार राज्यसभा जाना पड़ रहा है, राजस्थान से ही पड़ेगा, अभी तो सोनिया गांधी जी गई है, कुछ दिन के बाद राहुल गांधी को भी जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हटिए ना भाई, गजब हाल करते हो यार, रील्स बनाने गजब हाल है यार। हाँ बेटा, और निर्विरोध होने की उम्मीद है, आज बसंत पंचमी का पवित्र दिन, माँ भवानी शारदा का पूजा हम लोग किए विधानसभा के पुस्तकालय में और पूरी तरह से माँ भवानी शारदा का सकारात्मक ऊर्जा पूरे बिहार के अंदर प्रभावित होगा,
प्रवाहित हो रहा है और पूरी तरह से छत्र नीचे करो बिहार के अंदर आलोक बिहार अभी नीचे कीजिए आलोक बिहार हाथ के नीचे नेम में अभी कर रहा है आलोक बिहार नीचे कीजिए थैंक यू सर क्या प्राथमिकता रहेगी आप आज ही तो आज ही आए ही हैं तो फिर राहुल जी का वहाँ विशाल रैली होने जा रहा है औरंगाबाद आ रहे हैं राहुल जी हाँ बिल्कुल आ रहे हैं खड़गे साहब भी आ रहे हैं तेजस्वी बाबू भी आ रहे हैं लोकसभा आपके नामांकन में राजद के लोग नहीं दिख रहे हैं आपके नामांकन में आपके सहयोगी नहीं दिख रहे सारे लोग रहेंगे क्या लोकसभा चुनाव में नीतीश के इधर आने कोई असर नहीं पड़ने वाला है नीतीश जी जहाँ जाएंगे वो लेबिलिटी हो गए सबका खराब करेंगे आप लोग कितना चलाते रहे प्रधानमंत्री जी का पार्टी टूट गया मुख्यमंत्री जी का पार्टी टूट गया वो तो कह रहे थे कि लालू यादव ने उनका साथ दिया इसलिए हम छोड़ दिए बड़ी सम्मान से गए थे इंडिया लालू जी की भी पार्टी टूट गई कैसे बचा लिया होगी हम लोगों को तो नहीं मालूम लालू जी की पार्टी टूट गई उनका अरे भाई जो लोग दूसरे को तोड़ते चलते थे उन्हीं का टूट गया तो उसमें ना बात करिए देश भर में पार्टी तोड़ते चलते थे जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद 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 नहीं नहीं पहली बात मैं कह दूं राज्यसभा में ये पता नहीं कुछ लोग मेरे नाम लेकर के चर्चा कर रहे थे ऐसी कोई बात तो थी नहीं अब यही है अब हम लोग अफसोस की बात हम नहीं कहेंगे कि भाई हम लोग तो फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं और इसीलिए हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं फेक आधा फेक क्वार्टर फेक किसी तरह का कोई फेक न्यूज़ हो ये सब काल्पनिक खबर थी तो बात ये ज़रूर है कि बिहार में भी लोग ये समझते हैं हम भी समझते हैं कि माले को मौका मिलना चाहिए राज्यसभा में ये पार्टी की बात है और हम लोगों ने इसलिए महागठबंधन में सवाल भी उठाया कि भाई हमारे पास 12 लेफ्ट के पास 16 विधायक हैं और लगातार हम लोग अन्य दलों को समर्थन दे रहे हैं तो ज़रूरी है कि राज्यसभा में MLC में माले को वामपंथियों को भी मौका मिले लेकिन कल खरगे जी का फ़ोन आया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ तेजस्वी जी से भी बात हुई तो कुल मिलाकर के महागठबंधन में जो राय बनी उसी हिसाब से हम लोगों ने इस बार के लिए हमारा जो दावेदारी है उसको हमने स्थगित रखा है और आगे के इसमें रहेंगे हम लोग चाहते हैं कि पूरी एकता के साथ महागठबंधन का जो पैनल बने उसी पैनल के पक्ष में हम लोग रहेंगे लोकसभा के लिए तो एक दबाव था तो अभी तो हमें लगता है कि बदली हुई परिस्थिति है तो आज शायद महागठबंधन की एक बैठक हो रही होगी या हो चुकी होगी और भी बातचीत हो रही है तो हमें लगता है कि बदली हुई परिस्थिति के मद्देनज़र हम लोग सब मिल करके बात करेंगे और एक ऐसा कोई फार्मूला निकले जो सबके लिए सही हो आपके कार्यकर्ता चाहते हैं नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है हमारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि पार्टी और मजबूत हो और हमारी पार्टी बुनियादी रूप में ये आंदोलन की पार्टी है तो हमारा बड़ा काम तो संसद के बाहर है और जब जब हमारे लोग संसद के अंदर जाते हैं आप देख रहे हैं कि मनोज मंजिल के साथ इन लोगों ने क्या किया ये कोशिश होती है फिर भी बाहर की आवाज़ को हम लगातार अंदर भी इसको बढ़ाते रहेंगे और दोनों मिला करके पार्टी है तो बिहार पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है तो लोग ये चाहते हैं कि इस दौर में पार्टी की भूमिका और बढ़े और ख़ासकर आज फांसीबाद से जो लड़ाई है जो विचारधारा की लड़ाई है जो हम कह रहे हैं कि भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते पर चलने की जो बात है तो इसमें माले की एक बहुत बड़ी भूमिका है तो वो भूमिका पार्टी निभाएं अभी तो बिहार भोजपुर में हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवानों ने ये संकल्प लिया हम सब मनोज मंजिल बन करके लड़ेंगे तो पार्टी ठीक से लड़े इसकी पूरी कोशिश है और पार्टी ज़रूर लड़ेगी गठबंधन में सैक्रिफाइस के आधार पर ही तो गठबंधन चलता है सैक्रिफाइस तो हमने विधानसभा चुनाव में भी किया बहुत सारे सीटें अन्य दलों ने भी किया और अब उम्मीद करते हैं कि इसी आधार पर लोकसभा के ठीक से तालमेल हो और लोकसभा में एक सार्थक सीट शेयरिंग हो जाए
तो निश्चित तौर पर एक अच्छा परिणाम लोकसभा चुनाव में आएगा। अभी सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है कि बीजेपी ने पुलवामा शहीदों को यूज किया और सत्ता हासिल की, जिसमें सत्यपाल मलिक जी भी उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। क्या सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। हमारे देश के सैनिक की शहादत बहुत पहले से होती रही है। आप जानते हैं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आता था, लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी है, तब से पाकिस्तान के हर नापाक हरकत का माकूल जवाब देने का काम भारत ने किया है, भारत की सरकार ने किया है। और पुलवामा के शहीदों को हम लोगों ने आज उनके शहादत दिवस पर नमन किया है, और हमें स्मरण रहना चाहिए पुलवामा के शहीदों के बदला भारत सरकार ने भरपूर लिया है। और आने वाले दिनों में भी कोई ऐसी नापाक हरकत करेगा, भारत माता की ओर आंख उठा के देखेगा बुरी निगाह से, भारत सरकार माकूल जवाब देगी, इसका भरोसा देश की जनता को है। एक शाम शहीदों के नाम दीप जलाया गया है, क्या कुछ? देखिए केवल एक ही है ना, जिन लोगों ने हमें सुरक्षित रहने के लिए अपनी प्राणों की कुर्बानी दे दी, हम उन्हें नमन करें, हम उनकी याद रखें, इसका ये प्रतीक है दीप जलाने का। राजेश वर्मा जी प्रवक्ता के जब जिले के प्रदेश के प्रभारी श्री दानिश इकबाल जी, साथ में बैठे प्रभात जी, प्रवक्ता पैनलिस्ट में श्री बबलू जी, साथ में बैठे राकेश पुद्दार जी और आप सभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज खास करके बिहार प्रदेश के सचिव प्रदेश अध्यक्ष सह सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, जैसा आप सबने सुना, प्रदेश के महामंत्री श्री राजेश वर्मा जी द्वारा बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि 17 और 18 दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। प्रदेश के अध्यक्ष एसएससी श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार प्रदेश के प्रतिनिधित्व जो 573 सम्मानित नेतागण भाग लेंगे, 17 तारीख को देश के सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश के गरीब गुरबा सर्व समाज के आन बान शान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाई जी का उद्बोधन होना सुनिश्चित है। वहीं 18 तारीख को जो बिहार के प्रतिनिधित्व जो 573 सहित देश के तमाम लोगों को समापन भाषण भी देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का होना है। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को उत्साह का संचार होगा और आने वाले दिनों में जो लोकसभा के जो बिहार के 40 सीटें हैं वो जीत सुनिश्चित करने के लिए एक नई संचार का बिहार की पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा और साथ ही देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल के शासनकाल जो 500 वर्षों का जो संघर्ष था उस संघर्ष का विराम अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना करके किया गया है, उसी कड़ी में हम बताना चाहते हैं इसी भारत देश में जो कश्मीर लगभग 36,000
भारतीयों को अपने जान की कुर्बानी देना पड़ा। ये कारण धारा 370, हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के सच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के गरीब गुरबा सर्व समाज के लोगों को कि देशवासियों ने एक गरीब बेटा को देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर जब विराजमान किया तो धारा 370 को समाप्त करके उन 36,000 भारतीयों को जो जवान जान गंवानी पड़ी थी उसको सम्मान देने का सरकार ने काम किया। इतना ही नहीं, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, बिहार के गुदरी के लाल, साध की जिंदगी जीने वाले बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, गरीब गुरुवा की आवाज स्वर्गीय करपुरी ठाकुर जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करके बिहार ही नहीं देश के समस्त जनता को शीर ऊंचा करने का काम देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार के विकास के लिए जो देश का दूसरा स्थान प्राप्त करता है, 10,00,000 करोड़ राशि दे करके बिहार के विकास में गति देने का काम किया। मैं कोटि कोटि देश के सच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहते हैं।